हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस, फाइनली मैंने आप लोगों के लिए थंबनेल ट्यूटोरियल लेके आ गया हूँ। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया जिसकी वजह से मुझे थंबनेल ट्यूटोरियल बनाना ही पड़ा। तो गाइस, जितने बंदे मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और गाइस, बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों से और एक बात बताना चाहूँगा कि ये मेरी जिंदगी का फर्स्ट वॉइस ओवर है, तो मुझे नहीं पता कैसा होगा, लेकिन जैसा भी होगा आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी तरफ थंबनेल बनाना सीखना है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको पिकआर्ट ऐप को ओपन कर लेना है। हमारा जो भी एडिटिंग और थंबनेल से रिलेटेड सब पिकआर्ट में ही होगा। तो गाइस, पिकआर्ट को ओपन कर लेना है, फिर एडिट ए फोटो में जाना है, फिर हमारे जो स्क्रीनशॉट आपने लिया हुआ है वो स्क्रीनशॉट को ऐड करना है। स्क्रीनशॉट को ऐड करने के बाद जो हमने स्काई डाउनलोड किया हुआ है स्काई को ऐड करना है। अगर आप लोग के पास स्काई का कोई भी पैक नहीं होगा तो हम लिंक में डाल देंगे, आप लोग लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वैसे आपको यहाँ से अपने जो स्काई डाउनलोड किया उसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको स्काई को पूरा रिप्लेस कर देना है और जो ओपासिटी है उसको 30 में रख के आपको पूरा स्काई रिप्लेस करना है, तब आपको आसानी होगा स्काई रिप्लेस करने में। तो गाइस, सब चलते हैं स्काई को रिप्लेस कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस, फाइनली हमारा स्काई रिप्लेस कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ से ओके करके सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जो हमने टेक्स्ट डाउनलोड करके रखा हुआ है या बना के रखा हुआ है, अगर आप लोगों को लोगों के पास टेक्स्ट नहीं होगा तो हम टेक्स्ट का भी लिंक दे देंगे कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट बॉक्स से ले लेंगे। आप पिक्सल लैब से भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को टेक्स्ट बनाने वाला वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको पिक्सल लैब से कैसे टेक्स्ट बनाएं वो भी आपको दे सकते हैं। तो गाइस, यहाँ से हम इमोजी डाउनलोड कर लेंगे पिकआर्ट से, सैड इमोजी करके जो आप लोग ऊपर में आएगा दोनों सैड इमोजी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आप लोग को फिक्स करना है, ये ब्रोकन हार्ट वाला भी आप लोग को डाउनलोड करना है और दोनों को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। दोनों इमोजीज को सेट करने के बाद हम लोग को एक और पीएनजी का ज़रूरत होगा जो ब्लू लाइट करके है। ब्लू लाइट आप लोग पिकआर्ट में सर्च कीजिएगा, ब्लू लाइट मिल जाएगा। और जो ये सेकंड नंबर पे है, जो थर्ड नंबर पे आता है उसको लेना है और इसको यहाँ पर सेट कर देना है और यहाँ से ऊपर में यहाँ से मूव डाउन कर देना है। और देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है इसके बाद से। और ब्लू लाइट को सेट करने के बाद हमें पिकआर्ट में एक बार और सर्च करना है रेड लाइट। रेड लाइट सर्च करने के बाद जो आपका जो
फर्स्ट सेकंड नंबर पे आता है उसको ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से सेट करना है। इसी जैसे मैं कर रहा हूँ अच्छे से आप कीजिए। और जो ब्लेंड है ब्लेंड को स्क्रीन पे रखना है, ये ब्लेंड है इसको स्क्रीन पे रखना है। स्क्रीन पे रख के अच्छी तरह से इसको सेट करना है। और सेट करने के बाद इसको एक और डुप्लीकेट दो बनाना है, डुप्लीकेट करके दो बन जाएगा। और इसको अच्छी तरह से रिमूव करना है, जहाँ जहाँ अनवांटेड जगह है वहाँ वहाँ से इसको हटा देना है। तो गाइस फाइनली हमने रेड लाइट को सेट कर लिया है और हमारा थंबनेल भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम लोग ओके करके सेव कर लेंगे फ़ोन पे। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख ही लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।